दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मौर्याजी न्यूज चैनल। आपको बताएंगे 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कितनी छूट मिलने वाली है दोस्तों, और कौन से गाइडलाइन हैं आप जानें विस्तार से। लॉकडाउन में छूट है पर लेकिन संभल कर निकलें। केंद्र के 20 अप्रैल से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के कई जिलों में वाहनों की आवाजाही, कार्यालयों की गतिविधियों, ऑनलाइन सामान आपूर्ति सशर्त इजाजत होगी, पर ध्यान रखें ये छूट आपको सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई व गाइडलाइन में तय शर्तों के साथ मिलेगी। लिहाजा जरा नियम कायदों को जानकारी ही घर से बाहर कदम निकलें। 20 अप्रैल से शुरू छूट गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं। 10 फीट की दूरी पर बैठेंगे कर्मचारी कार्यालयों में। ड्राइविंग के नियम क्या हैं? ड्राइविंग के नियम, चौपहिया वाहन, इंसान व पशुओं के इलाज के लिए निजी वाहनों की छूट, कार में ड्राइवर समेत दो को बैठने की इजाज़त, दूसरा व्यक्ति पीछे बैठेगा, बाइक का प्रयोग जरूरी चीज़ें खरीदने का होगा, एक व्यक्ति वाहन पर होगा, 10 फीट की दूरी कर्मियों के बीच या कार्यालय की बात है, मास्क अनिवार्य होगा, बैठक में 10 से ज़्यादा कर्मी नहीं, थोड़े थोड़े लोग कैंटीन में लंच करेंगे, सीट में 1 घंटे का अंतर रखना भी जरूरी होगा, लिफ्ट का 204 लोग 2 या 4 लोग एक बार में प्रयोग करें। ये कार्यालय की बात है दोस्तों, ये घर से ही काम करेंगे कौन? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, माता पिता दोनों की वर्किंग है तो घर से ही काम करने की इजाज़त दे। 65 से अधिक आयु वालों को घर से काम करने को प्रोत्साहन करें। ऑफिस में थर्मल स्कैनिंग जरूरी, हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य। इन क्षेत्रों को राहत मिलेगी, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू होगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल आज सभी सामानों की ऑनलाइन आपूर्ति शुरू करेगी। ऑनलाइन यूजर्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक और अन्य सामानों की बुकिंग करा सकेंगे। किराना, फल सब्जी, पोल्ट्री, मीट मछली, चारा की दुकानें खुलेंगी, पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इमारतों के निर्माण की इजाज़त होगी। चिकित्सा, आईटी उपकरण और जूट उद्योग के सीमित कर्मचारी के साथ खुलेंगे। रियल इस्टेट, औद्योगिक निर्माण संयंत्र खुलेंगे। बाहर से मजदूर नहीं ला पाएंगे। शहरी क्षेत्र से बाहर सड़क, सिंचाई, अच्छे ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। कृषि कार्य होंगे, कटाई, बुवाई व कृषि से जुड़े अन्य कार्य, ईंट भट्टे भी खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृषि उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग होगी। मरम्मत और सेवाओं को राहत, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कैरियर, आईटी मैकेनिक की छूट होगी। सामानों की आवाजाही, सोमवार को सभी तरह के सामान की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे और विमान से आपूर्ति संभव। परिवहन की ऐसे सभी वाहनों में से ड्राइवरों को और एक हेल्पर की ही को ही जाने की अनुमति मिलेगी। कैब सेवाएं उपलब्ध होंगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं 3 मई तक अपनी सेवाएं बंद रखनी पड़ेगी। ये सब नहीं चलेंगे दोस्तों। दोस्तों समझ गए होंगे आपको कौन सी राहत लॉकडाउन में मिलने वाली है, यही राहत आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।